नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन रिफॉर्मर्स में। दोस्तों अ टीम विद द ग्रेट सक्सेस। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े न्यूज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बिना बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों ये वीडियो आपको जानना, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। चलिए ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कई कुछ इमेजेस मैंने लिए हैं, ये देखिए। आइए चलिए, हमारा जो मुद्दा है आज का दोस्तों, देखिए वो क्या निकल के आज सामने आ रहा है न्यूज़ में। दोस्तों बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि देखिए दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। चलिए आइए इसके अंतर्गत देखते हैं और क्या बातें हैं जो हमारे जानने योग्य हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी पूरी वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, आगे दिया गया है दोस्तों इस आर्टिकल में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध मतलब उससे जो जुड़े जितने भी महाविद्यालय हैं वहां पर स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक यानी कि अंडर स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट समेत जो अन्य कोर्सेज हैं में प्रवेश के लिए देश भर में 1100 में परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज इनका सेंटर होगा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, कानपुर के अलावा पटना एवं दिल्ली में भी ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाएँ होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोनों माध्यमों में परीक्षा कराई जाएंगी, जबकि बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता में सिर्फ ऑनलाइन पेपर होगा। इन शहरों में कुल 33 परीक्षा केंद्र ऑफलाइन व 14 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए बनाने की चर्चा है, केंद्र बनाने की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं दोस्तों और क्या विशेष न्यूज़ है कि केंद्रों की वास्तविक संख्या का निर्धारण जो होगा 5 सितंबर तक मिलने वाले आवेदन के पर निर्भर करेगी। परीक्षा कार्यक्रम भी 5 सितंबर के बाद ही जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में घोषित करने की तैयारी है। क्रेट को छोड़कर सभी परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी। क्रेट को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या अभी तक तय नहीं है और यह केंद्र की धारणा की क्षमता पर निर्भर करेगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। और देखिए दोस्तों, और न्यूज़ दिया आ रही है कि प्रवेश प्रकोष्ठ के जो निर्देशक हैं, मतलब जो इसके इंचार्ज हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल के अनुसार, केंद्र निरीक्षक अभ्यर्थियों को के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय किए जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। दोस्तों अभी तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है ईवीवी मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके संबद्ध कॉलेज में परीक्षा के लिए। रविवार तक 1,24,338 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सर्वाधिक 6,65,224 अभ्यर्थियों ने स्नातक एवं 1,18,153 ने परास्नातक, ठीक है, और 13,872 ने LLM ऑनर्स में प्रवेश के लिए फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों, ये 66,524 है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखा, आपने जैसा देखा कि न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी हमारे सामने। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं उनको आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे चैनल को एजुकेशन रिफॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।